संस्कृति सरोबर में आपके स्वागत बा। बुद्ध समुदाय के टेलीविजन पर कार्यक्रम लेके आ गई राशि से ने कैमरा पर्सन नारायण के साथ में ये कार्यक्रम आप हरेक सोम के ऐसे हरेक मंगल के और हरेक बुध के ठीक इतने समय से देख सकल जत। तो ये कार्यक्रम रहे कि हमरे अमन के समाज के विकृति हमरे कैसे हटा सके और हमन के कोनो भी संघ संस्था में ढीला सुस्ती बात है हमरे कैसे निर्मूल कर सके और हमरे अपन जीवन कैसे सफल बना सके हतमान्य क्षेत्र से अनुभव करा प्राप्त कर व्यक्ति से हमरे वहाँ के विचार रखल जत। और ऐसे हमरे तमाने जानल बुझल व्यक्ति के न्योता दे के हमरे वहाँ से प्रत्यक्ष बातचीत भी कल जत। और आज हमरे न्योता धरगिल बा नेपाल और थारू राष्ट्रीय मंच रूपंदेही के अध्यक्ष रेखा प्रसाद चौधरी रूपंदेही अध्यक्ष हमरे वहाँ से बातचीत कल जी। अते अभी संगरी साथ रहल जी ई कार्यक्रम में। अते सबसे पहले कार्यक्रम में आपकी स्वागत बा। धन्यवाद। चलो जी। हाँ ते वैसे हमन के जो है समाज बा समाज में तमाने प्रकार के विकृति भी संगति बा। ते आप एक सामाजिक काम में लागल गिल बा नेपाल थारू राष्ट्रीय मंच रूपंदेही के अध्यक्ष रह गिल बा। ते सबसे पहले जो हमन के थारू राष्ट्रीय मंच बा ई कैसन कैसन क्षेत्र में काम करत बते। अभी नेपाल थारू राष्ट्रीय मंच जौन बा ई जौन हमन के थारू लोग जौन बाटे उ सबके सुधार के लिए विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करा था समय समय से। सांस्कृतिक माध्यम से हमन के थारू के सुधार कल के कहल के लागल बाटी। हाँ एकर उद्देश्य कल की हो। एकर उद्देश्य खास ये हो। हाँ तो वैसे आप इस संस्था में रहिए जिसे कौन कौन क्षेत्र में काम कर जाता जिसे कि मतलब अब रूपंदेही के हक में कहा जा ते वैसे अब कैसन कैसन मुद्दा उठाए जाते भाई माते। अब यह में कि अब थारू समाज जो उन किस्म के विकृति आयल बा आपके देखल जाए तब कौन भी नाच गान प्रोग्राम में अनावश्यक किस्म के जो उन लोग अंग प्रदर्शन करना वास्तव में हमन के थारू सांस्कृतिक झलक के हमें कुछ भी नहीं रहा ला। एक लिए हमन के अब अपन थारू समाज में जो उन हमन के संस्कृति बा ओके खास देखा होगा। हमन के अपन संस्कृति छोड़ के अन्य कोनो संस्कृति अपनावल जाता वो अपनाएक नहीं भेल। हमन के अपन ही संस्कृति अपनाएक भर कह के संस्था में लागल बा। हाँ तो वैसे हमन के इस संस्था में लागल गेल बा हमन के समाज में तमाने प्रकार के विकृति भी संगति बा वैसे हमारे खाल जीते। अब आजकल के जो हमारे युवा लोगन बाटी अब वैसे तो तमाने प्रकार के आरोप लागल रहते कौन कहते बढ़िया से परिचालन नहीं कई पात बाटे समाज के अगुआ लोगन की का हो जिसे अब एठू हमरे कहल जी कन्फ्यूजन मारे कहल जी कि आजकल अब पहले ते उतना नहीं पढ़त रहने बकिन का आजकल देखा जीते इंटर ते बातें छोड़ा जा डिग्री तक यानी कि बैचलर डिग्री ढेर जाने के लिए बाटी बकिन का समाज की विकृति दी लौट के देखल जा ते ज्यों के त्यों बा आखिर एक मुख्य कारण का होते। अब डिग्री या शिक्षा लेले वर्षे खास कर उद्देश्य पूरा नहीं हुए जब तक हमन के डिग्री लेके या शिक्षा लेके जब तक हमन के व्यवहार में नहीं उतारल जाए तब तक हमन के कितनों भी पढ़ल जाए तो ओकर महत्व नहीं रहे। वो जो हमारे पढ़ल जाता वो हमन के आपस अंदर ही रह जाए बगैर हमन के पढ़ने के बाद हमन के समाज में वो ज्ञान दिहल जरूरी बका। जब तक हमन के समाज में ज्ञान नहीं दिहल जाए तब तक वो ज्ञान आमन के जो पीछे के भाई लोग बाटे वो ज्ञान नहीं पाइए। एक लिए अपने पढ़ के भी अपन जो गांव घर के साथी भाई लोग बाटे उनके भी शिक्षा दियल बहुत जरूरी बा। हाँ तो मन के समाज के तमाने प्रकार के विकृति भी संगति बा। अब देखल जी कि कितना जने अब लागू औसत में लग चुकल बाटी और वैसे हमरे कहा जी कि कितना जन के मुँह से सुनल जाता जिसे अशिक्षा की कमी बकिन का पढ़ के भी जिसे जे कितना जने जो लागू औसत में लागल बाटे ओकरे भी सब जने नहीं पढ़ल तो नहीं होने कितना जने बैचलर के लिए बाटे डिग्री के लिए बाटे तब पर भी एक लघु औसत कारोबार में संलग्न बाटी। तो सबसे पहले हमन की समाज में कौन से ऐसा काम कैले पर कार्यक्रम कैले पर कि हमन के कौन उपाय अपनैले पर ऐसा तमाने प्रकार के विकृति हट सके जिसन लग आपके विचार में। हमारे विचार में ये विकृति हटाए के लिए हमन के कोनो भी कारोबार कैल जाए कारोबार करल जाए तो हमन के अपन कारोबार में व्यस्त रह जाए। हमन के कोनो किस्म के कारोबार न पहले के नाते आपके दुनिया किस्म के लागू औसत में जो हमन के भाई बहन लोग लागल बाटे या यहाँ के समाज लागल बा
तो एक छुटकारा पाए के लिए भाई पहले बात अपन काम में बिजी होए पड़ा। अपन काम में जब बिजी रह जाए तो हमन के कोनो किस्म के अनावश्यक सोच ना आए। जब हमन के कोनो उद्देश्य ले चल जाए कि हाँ हमन के पढ़े बा, हमन के कुछ करे बा, डिग्री कैले के बाद हमन के परिवार चलाए बा, अन्य अपन समाज चलाए बा, समाज में लाके शिक्षा दिए बा, कहे कि जब तक हमने कर ना जाए तब तक खाली दिमाग जो कहल जाला कि शैतान के घर हो, वह तरीका से हमन के खाली ना बैठे कुछ ना कुछ करे पड़ा। हाँ कल के मतलब आजकल के जो युवा लोग बाटे पढ़ के भी ओकरे काम नहीं पात बाटे, यानी कि जो बेरोजगार के सृजन भइल बा ओ कारण से भी ओकन के दिमाग हमरे हेंग कहल जानी तिहार बौड़िया बौड़िया तब का करी ते का करी कही के वैसे करते करते दूसरे के कुलत में फसल बाटे जिसन लागत। हाँ वास्तव में मेन कारण ही है कि वो लोग काम ना पहले के नाते वो लोग दुनिया कुलत में आज देखा जा तब दुनिया किस्म के आपके नशालु पदार्थ में आजकल गांव गांव में मिल जाए जाए तब विभिन्न किस्म के जुआ ताश खेलिए अपन काम भी रही काम के व्यस्तता काम अपन छोड़ के भी आज गांव गांव में जाए देखल जाए तो अपन घर के काम छोड़ के अपन दूसर वो लोग खेले कूदले में ही मस्त बाटे। लेकिन पहले बात तो हमन के अपन घर के काम करे पड़ल, हमन के घर के नहीं मजबूत हो जाए तब तक कुछ नहीं हो पाए। एक लिए हमन के कोनो भी काम रहे हमन के जैसे अब इस समय आ गए बा खेती के खेती बात है अब इस समय गेहूँ मसूरी काटे के समय हो लेकिन ये सब काट के छोड़ के आज हमन के भाई बहन लोग देखल जाए तब कहीं पेड़ के नीचे बैठ के ताश खेलिए कहीं चौड़ा में बैठ के ताश खेलिए अनावश्यक मतलब वो लोग खाली काम करत बाटे ये सही बात नहीं हो। ते अब जैसे पहले और आज के तुलना में हमन के समय परिवर्तन हो चुकल बा, अब जैसे महतारी बाप बाटी पहले कम पढ़ात रहने अपन भी नहीं पढ़े रहने बकिन का आजकल महतारी बाप भी शिक्षित हो लेकिन आते अपन लैका पैका के सगबर ओकरे ओखन के भविष्य बढ़िया हो कहके छौका हो या छौकी यानी कि लड़का लड़की के दोनों जन के बराबर रूप से पढ़ात बाटी बकिन का कितना जन के देखा जीते कॉलेज जाए के नाव में अब कहा जाके छौका संगरी छौका छौकी मतलब डेटिंग या अन्य अनैतिक क्रियाकलाप में लागल बाटी ते ओखन के खर्तिन हमन के का कैसन कार्यक्रम लेनले पर ये जो हमन के विकृति बा हर्ष की जिसन लागत। अब पढ़ाई के माध्यम कहा जाए तो हमन के पहले जो उस समय के जब हमन के पढ़ाई कराता अलग है तो हमन के जो पहले के उड़े SLC जब पास करल जाए हमन के ऊपर अपने कांध पे पर जिम्मेवारी आ जाते रहे। लेकिन आज जो भाई बहन लोग इंटर पढ़ के भी ग्रेजुएशन हो जाते हैं डिग्री हो जाते हैं लेकिन वो लोग अपन जिम्मेदारी ना संभाल पाते हैं। एक लिए पहले जब हमन के गांव में रह गए गांव में से पढ़े आए गए यहाँ हमन के दूर दूर से आवल जात के पर साइकिल चला के आवल जा यहाँ भैरवा पढ़े आवल जाते हमें हमन के 2 घंटा 3 घंटा समय लगे तो हमन के समय के महत्व जाना चाहल गए कि हमन के पढ़े वह पढ़ के भाई अपन जिम्मेदारी ले बार जब तक हमन के कोनो जिम्मेदारी ना लिया जाए तब तक हमन के कोनो काम में सक्सेस सफल ना हो जाए। एक लिए कोनो भी काम करल जाए हमन के अपन जिम्मेदारी पूर्ण तरीका से करल जाए जब तक जिम्मेदारी ना लिया जाए तब तक हमन के समाज भी नहीं विश्वास करी तो समाज के विश्वास करे के लिए हमन के अपन जिम्मेदारी निभाए पड़ल। अब जैसे कहा जाए कि जौन आके जौन गांव घर के जौन बहन बिटिया लोग या भाई लोग बाटे घर से यहाँ पढ़े अले के माध्यम से वो लोग अनावश्यक काम करे लगन है लेकिन उन लोग के जिम्मेदारी हो कि हम पढ़े जाते थी तो अपन पढ़ाई पूरा करके हमारे कर्तव्य का अपन घरे आके का करेगा वो कह के जिम्मेदारी आजकल नहीं निभावते थे। जिम्मेदारी निभाए भी पड़ी उन लोग के जब तक निभाइए नहीं तब तक हमन के आर्थिक उन्नति भी नहीं हुई। हाँ तो वैसे हमन के थोड़े प्रसंग बदल के चाहल जी तो वैसे हमारे इतना गरी देखल जाता कार्यक्रम संस्कृति सरोवर और साथ में आठी राज इसने हमन के कैमरा पर्सन नारायण के साथ में और हमारे आज अतिथि के नेता गिलबा नेपाल थारू राष्ट्रीय मंच रूपांदी के अध्यक्ष रेखा प्रसाद चौधरी हमन लग बाटी तो वैसे हमारे ये कार्यक्रम में रह के समाज विकृति के बारे में छलफल कल जात कि हमन के असल से भी समाज कैसे बना सके अति वैसे हमारे प्रसंग बदल जी कहा जी कि हमन के समाज के एक एकदम नाई बढ़ी हमारे कुभर्ता काल जी विकृति काल जी जौन कि आजकल मौला गिल बा अब वैसे जौन पहले के और आज के तुलना में आज हमारे कंप्यूटर युग यानी कि 21वीं शताब्दी कहा जाते ते आज अब पढ़ाई के हिसाब से भी हमारे ढेर आगे बाटी अब हर एक हमारे टेक्नोलॉजी का प्रविधि कहा जा आगे आ चुकल बाटी फिर भी हमन के जौन आजकल एठू दहेज कहा जा पहले रहे आजकल नहीं बाकी की कहानी बकिन का पहले और आज से तुलना में हिरल जीते इनडायरेक्ट रूप में अप्रत्यक्ष रूप में आजकल ढेर बा ती की
आपके विचार में दहेज काल के कैसन चीज जैसा लागत? हाँ, आप बहुत बढ़िया प्रश्न उठाए गए। जैसे दहेज के काल के बाद भाई जकरे पास संपत्ति बा, जकरे पास बा, ले दे सकाला। लेकिन हमन के दहेज के जौन प्रथा बा कि अपन संपत्ति बेच के हमन के उ किस्म के अब दहेज ना दिया जा। हमन के कहो कि आज जौन हमन के थारू समुदाय के बहुत से यहाँ जमीन रहे, लेकिन यह आप देखा जाए तो एक शादी ब्याह करे के लिए भी आपके जौन किस्म के यहाँ खर्चालू समाज बा, ये खर्चालू समाज लास्ट में हमन के उपाय बाहरी इनकम तो बा नहीं, लास्ट में हमन के का रहा कि खेतवे लौकाला, हमन के खेतवे बेच दिया जाला। लेकिन दूसरे के देख के कि ना ये शादी भव्य रूप से करे पड़ी, शादी एक विश्वासीय बंधन हो, एक हमन के कम खर्चा के रूप में भी शादी कर सकल जाला। ये हम कहते थे उसे ते सबसे पहले जो हमन के फाजुल खर्च कर जाते शादी ब्याह में, ते ये फाजुल खर्च कम करे खर्तिन, जिससे अब लड़की पक्ष के कि लड़का पक्ष के विशेष ध्यान देखा हो सके बहन में। यह में तो खास करके दोनों तरफ के ध्यान दिए पड़ल। जब तक हमन के दोनों तरफ से ना ध्यान दिया जाए, अब लड़की पक्ष तो भाई अब उनके कौनो कहीं शादी नहीं लगाता तो वो लोग कहीं से मतलब ऋण कर्जा ला के करवे करी। हाँ। लेकिन जो लड़का पक्ष के बा उनके भी सोचे चाहिए कि बिहान के दिने वह समाज में जाए पड़ी, वह उन्हें ससुराल रही, बिहान के दिने वह लड़का के ससुराल के आदमी अगर लोन में रही है, कर्जा में रही है, तो उनके दुख के आई लास्ट में वह अपन दमाद जो कहा जला ज्वाई कहा जला उन्हें के आई। एक अंत करे के लिए हमन के अब दहेज प्रथा हटाए के पड़ल। बिहान के दिने हमन के बहुत से बहन बिटिया लोग बाटे शादी ना हो पावा था, खाली यह दहेज प्रथा के ना से। आज दहेज प्रथा में देखल जाता हमन के दहेज के कारण बहुत से जगह में बहुत से घटना होता, ये खाली ये दहेजक चक्कर में बा। एक लिए हमन के दहेज के एकदम खत्म करे पड़ी लगत, हमें जहाँ तक लगा था। जब तक हमने खत्म नहीं करल जाए तब तक आज के भाई हमारे पास संपत्ति बात हम दहेज दे सकीला, तो बिहान का हमारे पास संपत्ति न रहे तो हमन के बहन लड़किन के ब्याह ना हो, एक खातिर हमन के अब दहेज के पीछे नहीं लागे पड़ल। हाँ, तो एमा जिसे सबसे पहले अब एक बात कथी उठत कि हमन के अजुन दहेज के विषय में लड़की वाली बाटी, अब ओखन के ठू हरेक अपन ओखन के सोच रहा कि अब हमरे यदि दहेज नहीं देखते ब्याह ना हो कि, अब फिर भी कहोत कि दहेज देखा के लिए भी हम नहीं देती हमारे नात बात और हमारे के समाज का कही कही के सोचने समाज एक दहेज देखे को। लेकिन हमन के अपन लड़की के दहेज दिले से बढ़िया हमन के ओके लड़किन के उच्च शिक्षा दिया जा। हाँ। जब तक उच्च शिक्षा नहीं पाई वो दहेज लेके का करी। जब आज एठू लड़की हमन के जब पढ़ावल जाए ओकर उच्च शिक्षा रही बढ़िया ओकर मतलब बेस रही बढ़िया कहीं जाके रोजगारी पाई तो आज हमन के एठू दहेज दिया जाला। एठू सामान मतलब कहल जाए कि मोटरसाइकिल दिया जा और कोनो बड़ा बड़ा सामान दिया जा तो हमन के वो कुछ क्षणिक जीवन के लिए रहा ला। लेकिन हमन के जब लड़किन के शिक्षा बढ़िया दिया जाए तो उस शिक्षा जाके अपन घर में अपन परिवार में सब परिवार के रख बढ़िया से पकड़ के रखी या उस समाज अपन घर परिवार बढ़िया से चलाई। लेकिन हम उनके दहेज दिया जाए तो उस क्षणिक जीवन के लिए रहा दहेज। एक लिए कहते थी कि मतलब दहेज हमारे के अब कम करे पड़ा। हाँ, तो इसी घड़ी इतना घड़ी हमारे देखा जाता कार्यक्रम संस्कृति सरोवर और कार्यक्रम के साथ बाटी हम राज ऐसे हमन के कैमरा पर्सन नारायण और हमन के आज के अतिथि नेपाल थारू राष्ट्रीय मंच रूपंदी के अध्यक्ष रेखा प्रसाद चौधरी हमलग बाटी। तो इसे हमारे ये कार्यक्रम रे कि हमारे हमन की समाज की विकृति कैसे हट सके और असल सभ्य समाज निर्माण हमारे कैसे कह सके के बारे में हमारे चर्चा कर जात। तो वैसे हमारे ये कार्यक्रम में रहते हमन के जो तमाने व्यक्ति कुलत में फंसल बाटी, जिसे अब लड़के के साथ में लड़की भी कुछ कुलत में फंस चुकल बाटी, ते ओखन के खातिर हमारे कैसन कुछ कार्यक्रम लाने की सोच रखल गई बा हमन के जो थारू राष्ट्रीय मंच बा। एक लिए अब जैसे लड़किन के लिए जो विगत के दिन में हमन के बहन लोग नहीं पढ़ पैलिन उ लोग के लिए सिलाई बुनाई कटाई
कोनो हस्तकार कर मतलब हस्तकला हस्तकला के लावल जात उ लोग उ सब काम सीखे उ सब काम सीखिए तो उनके आए वाले दिन में दो चार पैसा आमदनी हुई। जो लड़का लोगन के बात बा उ लड़का लोग कोनो भी सीप सीखे जब तक हमन के हाथ में सीप नहीं रही तब तक हमन के आय स्रोत नहीं बढ़ी। एक लिए सीप सीखल जरूरी बा पहली बात तो शिक्षा लिया जरूरी बा शिक्षा लाने के बाद वो आदमी शिक्षित हो जाए शिक्षित रही तो अब आपसे आप घर कुछ संभाल के रखी शिक्षित नहीं रही तो घर संभाले लिए थोड़ा मुश्किल पड़ा ला। तो इसे कितना अब हमन के नेपाल के जो युवा बाटी विदेश प्लान हो क्रम जारी बान के खातिर कुछ कह साल जी। हाँ विदेश के जो युवा लोग जाते हैं विदेश में जाके भी युवा लोग की सहजा पैसा इतना आ वाला वहाँ भी आप जाए तो मेहनत बहुत मेहनत करे पड़ा। यहाँ हमन के आपके चार घंटा ना मेहनत कर सकल जाला वहाँ 18 घंटा मेहनत करे पड़ा। आज यहाँ हमन के 2 घंटा 1 घंटा मेहनत कर दिया जा हमन के ही प्रशस्त हमन के सामान्य आपके आलू प्याज लहसुन मरचा धनिया मतलब यहाँ उत्पादन होने वाला हमन के अगर वह बचा दिया जाए तो महीना के कुछ नहीं तो हमन के 10-20 हज़ार रुपया वह बची लेकिन हमन के 20 हज़ार रुपया कमाए के लिए विदेश जाए जाला वो भी अपन पूरा परिवार छोड़ के। एक लिए अब कोनो भी हमन के रोजगार करल जाए तो हमन के नेपाल में ही बैठ के रोजगार करल जाला। रोजगार के क्रम में आपके बहुत से यहाँ सरकार सुविधा डाले बा जैसे आप बकरा पालन कर सकल जाला मछली पालन कर सकल जाला सब्जी खेती कर सकल जाला सब खेती करल जाए तो आपके विदेश जाए के आवश्यकता नहीं पड़ी। विदेश जाके भी आदमी वहाँ सोचा कि बैठ के पैसा मिले तो नहीं मिला ला एक लिए हमन के अपन स्वदेश में ही काम कर जरूरी बा। हाँ ते काल के मतलब जैसे हमन के अब नेपाल में भी काम पाते सहज बात ते नहीं हो नहीं हमारे संघर्ष करे करी अब जिसे बाहर भी सहज ते नहीं बा फिर भी हमारे यहाँ 4 घंटा का जीते वहाँ 8 घंटा अब 8 घंटे नहीं होता मन के नेपाल में अवसर कह के 8 घंटा हमारे की ड्यूटी हो बाकी इनका 12 घंटा तक वहाँ ड्यूटी करे पड़त और हमारे नेपाल में का बाकी एक दिन काम कर जी दूसरा दिन हमारे आराम भी करे सकल जी और कुछ मेहनत कर जी हमारे अपने हो बाकी इनका वहाँ हमारे जे जैसे काम कर ही हमारे बाध्य हो जा करी और हमारे अपन घर परिवार भी कुछ होले पर हमारे देखे नहीं पाए हिसाब से भी हमारे बाहर जाकर ठीक खाल के मतलब। हाँ तो वैसे हमारे इतना गरी सर सकल जतबा हमन के समाज के विकृति कैसे हट सकी ते वैसे हमन के तमाने जो युवा लोगन बाटें भटकत बाटें और हमारे कहा जा कि स्कूल और कॉलेज के शिक्षा भर से उखान के नहीं पुगत बा कल के मतलब कि हमन के जो यहाँ के शिक्षा बा व्यवहारिक नहीं बा जबकि हमारे डिग्री कल जा तपर भी हमन के अब मौका चांस से सरकारी जागीर मिल गई तो ठीक बा नहीं तो हमारे वो शिक्षा पढ़ के भी हमारे कामयाब नहीं हो सके क्योंकि नाते हमारे जो है बाहर जिसे शिक्षा प्रणाली बढ़िया बा और हमारे यहाँ के भी जो है एक व्यवहारिक शिक्षा प्रणाली हो चाहिए और कितना जने जो हमारे प्रयोगात्मक शिक्षा कहा जा हमारे सीप कहा जा या कोनो व्यवसाय कहा जा सीप मूलक यानी कि आय मूलक हमारे काम सीखल जी तो हमारे जिंदगी बढ़िया सकी कल के मतलब। हाँ ये तो जैसे आप कहल के डिग्री लेके नौकरी नहीं मिला था तो कोनो जरूरी नहीं बा हमन के डिग्री लेके नौकरी करे पड़ी जैसे हमन के जो भाई लोग बाटे आज विभिन्न आपके विषय लेके पढ़ाते रहे कोनो अंग्रेजी में तगड़ा बाटे कोनो गणित में तगड़ा बाटे कोनो साइंस में तगड़ा बाटे वो सब डिग्री लेके अपन भाई बहन के पढ़ा के भी और ट्यूशन पढ़ा के भी 2-4 पैसा आमदनी कर ली है। ट्यूशन पढ़ाई है तो हमें कहा समाज के भी शिक्षित करी है दो पैसा सूरत भी रही एक पैसे भर सब कुछ नहीं हो हमन के समाज के सुधार करे के भी सोचे पड़ल जब तक हमन के समाज के ना सुधारल जाए अब देखल जा समाज में एक आदमी सुधरले भर से ना होला समाज पूरा समग्र समाज सुधारे पड़ा वहाँ जितना बैठे वाले रहने भाई जे डिग्री करा था भाई कोनो विषय में लेके डिग्री कर ले बाटे तब नहीं मिला था तो वो लोग कोचिंग सेंटर भी तो पढ़ा सके ना यहाँ कोचिंग खोल रहे कोचिंग पढ़िए तब 2-4 पैसा आमदनी भी हुई प्लस अपन साथी भाई के सहयोग भी हुई सहयोग के भावना भी तो रखे पड़ा। तो इसे हमारे ये कार्यक्रम में बातचीत करत विद्यालय समय हो गई बात इतना करी हमारे कार्यक्रम दिखाल गई संस्कृति सरोवर और साथ में हम संचालक राज ऐसे हमन के आज के अतिथि नेपाल थारू राष्ट्रीय महाजन पंडित के अध्यक्ष रेखा प्रसाद चौधरी और हमन ला कैमरा पर्सन नारायण उन्होंने धन्यवाद दे चल जात बात अंतिम में
आपके भी धन्यवाद ऐसे कार्यक्रम में आयल गेल हमर के नेतो स्वीकार कई के धन्यवाद आज बुद्ध समाचार चैनल जौन किस्म के चर्चित चैनल बा आज हमें नौता दे के आज जौन हमें दो चार शब्द हमें मौका दलस एक लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अंत में आए वाला नया वर्ष 2076 साल नेपाली लोगन के हार्दिक मंगलमय शुभकामना करत विधवत बाटी नमस्कार हाँ तेजी हमन के अतिथि रेखा प्रसाद चौधरी और हमन के कैमरा पर्सन नारायण उनके विशेष धन्यवाद देत आप देखते रहिए बुद्ध समुदाय टेलीविजन यह का हम संचालक रात भी आपसे विदा होती नमस्ते नमस्कार